मैंने उनको कभी महंगी ब्रांडेड टी शर्ट शूज मैंने डालते नहीं देखा। चार कुर्ते पजामे हैं उनके पास, दो जूते हैं। अब तो उन्होंने करके ही दिखा दिया। आजाद देश तो बाद सब तो बड़ी यात्रा 4000 किलोमीटर तो उत्ते 4 महीने एक टेंट च रहना, रोज नवी जगह नवा टेंट ला के रहना, 25 किलोमीटर चलना। यह राहुल गांधी ने एक दिखाता भी उदे बराबर का कोई भी तपस्वी मैं कह सकता है इस वेले मौजूद है। बातचीत करने के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर और एमपी पंजाब के बिट्टू जी। सबसे पहले सर, घंटा घर के पास आप मौजूद हैं, बदलाव आया है, भारत जुड़ा है। मैं आपको बता नहीं सकता, अगर मैं कश्मीर की या जम्मू की बात करूं तो मैं 16 तारीख से यहां हूं जी। और हर ये जो जम्मू कश्मीर कश्मीर के घर है ना जी, छोटी छोटी खिड़की है, हर माँ हर बहन वहां से उस खिड़की से राहुल गांधी को देख रही हैं। भी ये आस की किरण, बिल्कुल एक जो यहाँ पे जुडिशरी को तोड़ा जा रहा है, मीडिया को तोड़ा जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन को तोड़ा जा रहा है, एनआईए और ऐसे जो संगठन है सरकार के उनको यूज किया जा रहा है, तो उनको बचाने के लिए एक ही किरण लोगों में दिख रही है भी वो राहुल गांधी है। चाहे वो पुलिस वाला हो, फौज वाला हो, चाहे वो किसी पार्टी का आदमी हो, वो सिर्फ ये देख रहा है भी इस देश को बांटने से अगर कोई बचा सकता है, हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई एक रह सकते हैं, तो वो भारत जोड़ो यात्रा है जिसे 4000 किलोमीटर से ऊपर आज हो जाएंगे। तो एक भी जगह राहुल गांधी ने कहीं किसी ने किसी पार्टी ने किसी लोगों ने कहीं एक भी आवाज़ उनके अगेंस्ट बुलंद की, जो जो जुड़ता गया साथ में, चाहे किसी पार्टी का शर्ट पे बोला गया, कपड़ों पे सियासत की गई, और इसी के साथ साथ बयान पे सियासत की गई, खाने पीने पे सियासत। अब सब भूल गए जी। अब वो जब ये सिर आया ना जी, ये हमारा मुकुट है। जब कश्मीर आते होते टी शर्ट भी भूल गए और चीजें भी भूल गए, अब सिर्फ क्या याद है उनको भी सारा देश राहुल गांधी के पीछे है। अब करें क्या, कोई उनसे एक आखिरी उन्होंने उपराव करके देखी है राहुल गांधी को, परसों सारी सिक्योरिटी हटा दी, सब लोग जो है एडमिनिस्ट्रेशन के चले गए, गायब हो गए एकदम जब उतरे, तो ये आखिरी उन्होंने करके देख लिया भी शायद यहाँ टेररिज्म है, उससे डरते ये आगे नहीं बढ़ेंगे। तो जब अगले दिन उससे भी ज़्यादा लोग आए और राहुल गांधी चले, तो अब सारे पत्ते ताश के जो है वो उनके बिखर चुके हैं, फेल हो चुके हैं। आज लाल चौक पे जब झंडा आधे घंटे के बाद लहराएंगे तो आप देखना हर भारतवासी आज उसका फकर से जो दबा हुआ है 2014 से, उसका आज फिर फकर से सिर उठेगा भी किसी फोर्सेस के द्वारा नहीं, किसी एजेंसियों के द्वारा नहीं, ये भारत का झंडा जब राहुल गांधी यहाँ लहराएंगे तो देश का झंडा। मैं मानता हूँ 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे लिए सब कुछ है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन जब यहाँ झंडा लहराएंगे वो आज, तो एक दोबारा नया उत्सव होगा देश में, नया जोश होगा। तो आज देखो किस हर बच्चे छोटे छोटे, आज मैं मीडिया पे सुन रहा था, माँ एक बाहर आई, वो पुलिस वाले ने रोका उनको, वो कहती है मैं क्या करूं, मेरी 3 साल की बच्ची है, 3 साल की, वो राहुल कर रही है टीवी पे देख रहे भी, मैंने उसे देखना है, मैं उस बच्ची को अपनी को राहुल गांधी को दिखाने के लिए आई हूँ और पुलिस वाले मुझे रोक नहीं सकते। कहते हैं भारत तोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस, जम्मू कश्मीर बीजेपी के यूनिट कहते हैं भारत तोड़ने का काम कर रही है कांग्रेस और खानदान जोड़ने का काम कर रही है। इनकी सोच है, इनकी सोच गंदी है। जिसकी दादी एज ए प्राइम मिनिस्टर शहीद हो गए इस देश के, जिसके पिताजी एज ए प्राइम मिनिस्टर वो भी तो शहीद हो गए इस देश के लिए, तो आप सोचो वो आदमी देश को जोड़ेगा या तोड़ेगा। इसलिए राहुल गांधी को क्या लेना देना, वो तो एक टी शर्ट वाला एक जूते वाला आदमी है, उसने अडानी और अंबानी नहीं पालने, इसलिए वो तोड़ने वाले हैं हम अडानी अंबानी वाले। राहुल गांधी तो उसका देश परिवार है, उसका और तो कोई है नहीं, एक माँ एक बहन है, बाकी तो सारा उसका देश है भाई। उन्होंने तो जब से देश आजाद हुआ उससे उतनी देर से वो प्राइम मिनिस्टर थे, क्यों वो एक एक धूल सड़कों की खा रहे हैं, छान रहे हैं, क्यों? अपने देश के लिए, क्योंकि उन्होंने इस देश को, उनके परिवार ने, उनकी पार्टी ने इस देश को बनाया है 70 साल। कोई डैम लगा लो, कोई यूनिवर्सिटीज लगा लो, कोई एग्रीकल्चर
ग्रीन रेवोल्यूशन लाओ, वाइट रेवोल्यूशन दूध का वो लेके आए जब उन सरकार थी, तो वो देश को तोड़ेंगे जिन्होंने 70 साल में देश 75 साल में बनाया है। वक्त बदला है, वक्त बदला है। मैं टोटल ही बदल गया। जो नेशनल चैनल इनके थे उनके कल आंकड़े थे वो उठा के हमें, वो कह रहे थे एक सर्विस की है उसमें राहुल गांधी जी को बहुत कम संभावना है इलेक्शन जीतने। सुनिए सुनिए, 150 सीट से ऊपर तो कल ले आए, अभी तो इस यात्रा एक यात्रा हुई है, एक साल अभी पता है, हाथ से हाथ जोड़ो बयान होगा और राहुल गांधी फिर दूसरी यात्रा शुरू करेंगे। आप देखना लेह लद्दाख हो दूसरा, और अभी 150 और 24 जाते आते ये 300 पार होगा। जवाब मिला है, जवाब मिला है भाजपा सरकार को इस 12 जोड़ों से? 100। देखो जब आदमी सड़क पे उतर आया तो सड़क पे कोई पार्टी के वर्कर तो हो नहीं सकते, भी 4000 किलोमीटर पार्टी के वर्कर ही चलते हो साथ, इतना तो हो नहीं सकता। ये तो कॉमनर हैं, आम लोग हैं जो जम्मू कश्मीर तक निकले हैं, इसलिए उनके पास रिपोर्ट्स जाती हैं, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं। IBM मेरे बहुत ऑफिसर हैं जो हमारे जान पहचान के हैं, वो बिल्कुल घबराए हुए हैं। और बाकी आप देखना पार्लियामेंट सेशन अभी शुरू होगा, बाकी कमी पार्लियामेंट सेशन में निकाल देंगे जब वहां पे देश की राहुल गांधी आवाज बुलंद करेंगे। देश की दुख तकलीफ है, बेरोजगारी है, डीमोनेटाइजेशन से देश को बिल्कुल खत्म कर दिया है, MSME खत्म हो चुकी है, वो चीजें जब उठाएंगे पार्लियामेंट में वो बिल्कुल जमीन की बात होगी, उसके बाद कहीं भी और पार्टी दिखेगी नहीं। कहते हैं राहुल गांधी जी ने महंगी टी शर्ट पहनी थी, सबसे पहले कहा था, उसके बाद कहा राहुल गांधी जी ने टी शर्ट के नीचे और कुछ भी पहना है। इस आखिरी सवाल को किस नजरिए से जवाब दें? बताइए, पहली बात राहुल गांधी खुद ही एक मेंबर पार्लियामेंट है, एक MP की, उस बात को छोड़ दीजिए, वो 5000 की है 2000 की है, राहुल गांधी का कोई और खर्चा तो है नहीं, वो तो अकेला आदमी है, अगर उसकी तनख्वाह ही जोड़ ली जाए उससे ही वो कितनी महंगी से महंगी टी शर्ट ले सकता है। पर वो आदमी बिल्कुल सिंपल, मैं उनसे 15 से 17 साल हो गए मुझे जुड़े हुए, मैंने उनको कभी महंगी ब्रांडेड टी शर्ट शूज मैंने डालते नहीं देखा, 4 कुर्ते पजामे हैं उनके पास, 2 जूते हैं। अब तो उन्होंने करके ही दिखा दिया भाई, अब तो वो 4 महीने लोगों के सामने रहा है, लोगों के सामने एक तंबू में एक टेंट में सोया है, तो अब क्या बात रह गई? जो कहते थे ये तो हर 5 स्टार में जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, 4 साल 4 महीने तो वो सड़क पे रह गया, रह सकता है कोई सड़क पे? अब टी शर्ट की बात रह गई कोई? इसलिए ये तो बेफजूल बात है, जो 4 महीने सड़कों पे रहा है, रोज नई सड़क पे अड्डा लगता था, रोज नई सड़क में तंबू गढ़ता था। एक आखिरी सवाल, पंजाबी में क्या जवाब देना चाहेंगे तमाम लीडर्स को, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहेंगे पंजाबी में? देखो एक गल जी, हिंदुस्तान भारत जोड़ो की जी गल सी जी, वो 100% सच होगी। जो लोग बड़िया बड़िया गल्ला करते सी कि आजाद देश तो बाद सब तो बड़ी यात्रा 4000 किलोमीटर तो उत्ते 4 महीने एक टेंट च रहना, रोज नवी जगह नवा टेंट ला के रहना, 25 किलोमीटर चलना, ये राहुल गांधी ने एक दिखाता भी वो बराबर का कोई भी तपस्वी मैं कह सकता है इस वेले अपने देश लई, कोई किसी गुरु के साथ किसी संत महापुरुष के साथ मिलाने की बात नहीं, पर अगर देश की तपस्या करनी है, अगर देश की तपस्या करनी है, वो राहुल गांधी ने दस्ती भी, राहुल गांधी ने सड़क ते जाके अपने देश दे लई तपस्या करके दिखाती, उदे नाल दा अपने देश दे लई कोई तपस्या करने वाला नहीं। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस के सीनियर लीडर, इनसे समझने और जानने की कोशिश की कि भारत जोड़ो यात्रा को किस नजरिए से देखते हैं। घंटाघर के सामने आज झंडा लहराया जाएगा, देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।